इंग्लिश आई एम यू आर का यूज जब हम कभी भी इंट्रोडक्शन देते हैं अपना या किसी और का परिचय देते हैं तो उसको कैसे बताते हैं आप आज हम आपको बताएंगे। ओके, तो खूब ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए, पढ़ के आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए घर पर रहकर, जिससे ये हो जाएगा कि आपको सब आता है। अगर कोई आपसे पूछे आपका परिचय, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो बताएंगे कैसे। आई एम जो आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है तो मैं बताऊंगी आई एम संगीता दीक्षित फ्रॉम सृजन स्कूल टीचर, मतलब मैं सृजन स्कूल की टीचर। तो इस तरह की आपको भी इंट्रोडक्शन देना है, किसी और से लेना है या मतलब, तो इस तरह के हम आपको ब्लैक बोर्ड बता रहे हैं। देखिए ये ब्लैक बोर्ड पे आपके बुक में दिया है, आप ध्यान दीजिएगा और बुक से अच्छे से पढ़िएगा। ओके, फिल करना है मैंने कुछ फिल करनी है और कुछ आपको फिल करनी है उसमें भेज देंगे बुक में और खूब अच्छे से आप लिख लीजिएगा। ओके, तो देखिए ब्लैक ब्लैक बोर्ड पे इंग्लिश का स्पेलिंग क्या है, ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश यूज क्या कर रहे हैं, आई ए एम या ओ वाई ओ यू यू ए आर ई आर। ओके, इसमें यूज करना है आई एम एंड यू आर का यूज करना है। ओके, इसमें ये तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है आई एम अनीता, मैं अनीता हूँ, इसमें भी लिखेगा आई ए एम एम ए एन आई टी ए अनीता। ओके, नीचे देखिए वाई ओ यू यू ए आर ई आर एम वाई माई एस आई एस टी ई आर सिस्टर। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे यू आर माई सिस्टर। नेक्स्ट आई ए एम एन आर ए एम राम, ये नाम है ना, तो राम आई एम